नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया ने अपना 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र अवस्थी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में सबसे पहले सभी पत्रकारों ने वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र प्रभु को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार संजीव बस्सी व संजीव कौशल ने मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि जितेंद्र अवस्थी ने कहा कि 23 जनवरी 1972 को नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की स्थापना एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में दिल्ली में हुई। वह पत्रकारों के व्यावसायिक व सभी प्रकार के हितों की रक्षा करना ही नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया का मुख्य उद्देश्य रहा है। आज NUJ का 47वां स्थापना दिवस था, जिसके उपलक्ष्य पर द प्रेस क्लब बद्दी ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दैनिक ट्रिब्यून से सेवानिवृत्त और NUJ के निवर्तमान में रहे, कई पदों पर रहे श्री जितेंद्र अवस्थी जी ने यहाँ उपस्थिति दिखाई। उनके सामने पत्रकारों की कुछ विशेष समस्याओं को रखा गया, जैसे एक तो रिकॉग्नाइजेशन को लेकर है, ऐसे ऐसे पत्रकारों को मान्यता मिली हुई है जो जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। एक हमारे स्टिंगर पत्रकार जो सारा दिन खबरों के लिए भागता है, जगह जगह लोगों से गंगा लेता है, उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। आज हम पेंशन की बात करते हैं तो वो बातें सिर्फ हवा में ही हैं। और आज पत्रकार हर तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ है। सबसे पहले संस्थानों का दबाव है उसके ऊपर। अगर संस्थानों का दबाव है कि यहाँ वहाँ से एडवर्टाइजमेंट लेके आओ, एडवर्टाइजमेंट लेके आते हैं तो जिसकी लेके आते हैं उसके अगेंस्ट खबर नहीं छाप सकते। पत्रकारों की सुरक्षा किसी भी क्षेत्र में नहीं है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि अपने NUJ के मंच के माध्यम से भी जो स्टिंगर छोटे पत्रकार है जो हर समय जूझते रहते हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में भी सोचा जाए। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया का 47वां स्थापना दिवस है। ये संगठन 23 जनवरी 1972 को बना था दिल्ली में। अब करीब करीब हर राज्य में इसकी इकाइयां हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हिमाचल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में जो संबंध है उसकी यूनिट ने आज बद्दी में तो प्रेस क्लब के साथ मिलकर उसका स्थापना दिवस मनाया। ये बहुत खुशी की बात है। तो ये जो संगठन है ये पत्रकारों के लिए काम करता है, किसी पार्टी से एफिलिएट नहीं है। किसी पार्टी के हर पार्टी के पत्रकार इसमें शामिल हैं। तो अब पिछली बार यहाँ एक मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया था कि जो पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। उसके बारे में सरकार को ज्ञापन भी दिए गए थे हिमाचल सरकार को। तो सरकार ने कहते हैं कि एक फैसला किया है कि जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको तो उन्होंने ये सुरक्षा उपलब्ध कराने का या 5 लाख रुपये देने का वो एक फैसला लिया है। तो हम लोग हमारे संगठन की तरफ से ये एक मांग है सरकार से कि ये जो सुविधाएँ हैं, ये जो आम जो स्टिंगर हैं, जिस भी पत्रकार को किसी अखबार ने या संपादक ने या मालिक ने लेटर दे रखा है समाचार भेजने के लिए, उन सबको ये सुविधा जो है वो मिलनी चाहिए। और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, मेडिकल सुविधा भी मिलनी चाहिए और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये मेरी हिमाचल सरकार से गुजारिश है।